अनुसुईया कला पूर्णिमा हविर्भू आदि, और फिर इसके बाद में दसवीं बार स्वयं नारायण अंशावतार लेकर इनके गर्भ से प्रकट हुए हैं कपिल भगवान। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जब कपिल जी उत्पन्न हुए तो महाराज करदम ने दंड ले लिया, सन्यासी हो गए, चले गए। अब माता रो रही है, रोती हुई अपनी माता को बालक महाराज कपिल भगवान ने सांख्य योग का सुंदर उपदेश दिया। माता, भगवान पुरुष हैं और ये सब प्रकृति है, प्रकृति के तत्व हैं, क्षित जल पावक गगन समीर, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और देखिए मन बुद्ध चित्त अहंकार, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और माया, ये 24 तत्व प्रकृति के हैं। 25वां तत्व पुरुष है, जो परमात्मा है वह अजन्मा है। अपनी प्रकृति को अधीन बना करके वो सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं, प्रकृति के माध्यम से पुरुष को पाना है। देखिए बात जो भागवत में यही भगवान ने गीता में कही, अजोपि सन व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवाम व्यात्माया। प्रकृति को अधीन करके लीला करते हैं भगवान, और उस ब्रह्म को पाने के लिए अष्टांग योग करना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को धारण करना होगा। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। यम ब्रह्मचर्य अहिंसा अस्ते परिग्रह सत्य, ये यम है। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। आसन 84 प्रकार के हैं, जिनमें जो आसन प्रिय हो, सुखासन पद्मासन, उस पर बैठकर भगवान का ध्यान करें। बहुत समय तक एक ही आसन पर बैठने का अभ्यास करें। प्राणायाम पूरक कुंभक रेचक क्रियाओं के माध्यम से प्राणायाम करना है। श्वास को जो खींचना है एक नासिका के माध्यम से वो पूरक है, जो भरना है वो कुंभक है, कुंभक है, और जो छोड़ना है वो रेचक है। ये तीनों प्राणायाम पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम करते हुए मन को एकाग्र करना है। प्राणवायु ज्ञानवायु उदान समान अपान नांग क्रिकल धनंजय देवदत्त कूर्म, ये 10 प्रकार की वायु शरीर में है। प्राणायाम के माध्यम से वायु को समान कर लेना है। प्राणायाम की विधि से खटचक्र भेदन करने हैं। नाभि के नीचे मूलाधार, नाभि में कुंडलनी, मणिपूरक स्वाधिष्ठान, और इन चक्रों से परे विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इन चक्रों का भेदन कर ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार त्रिकुटी में करना है। वो ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार हो जाएगा, तब अहम ब्रह्मास्मि का भाव आएगा, अनुभूति होगी। बड़ा सुंदर उपदेश किया माता को, और महाराज कपिल जी सागर के तट पर उन्होंने साधना की, वहीं गंगा सागर में जाकर लीन हुई हैं, और सागर के वक्षस्थल पर भी अपना नाम लिख दिया, तीर्थ का नाम हो गया। प्रेम से बोलो गंगा सागर धाम की। मकर संक्रांति में वहां पर्व होता है, बोलिए कपिल भगवान की। सभी लोग नहीं बोले, पीछे वाले भी बोलो कपिल भगवान की। ऐसे भगवान कपिल अब भी साधना कर रहे हैं। सांख्य योग के रचयिता अष्टांग योग का वर्णन करने वाले भगवान कपिल, अब इनकी तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति। प्रसूति मानवी दक्ष उपमेये अजात्मजा, तस्या ससर्ज दुहिता खोडस अमले लोचना। तो महाराज बता रहे हैं देवहूति और आकृति का वर्णन हुआ, तीसरी कन्या प्रसूति है। प्रसूति का विवाह इन्होंने प्रजापति दक्ष के साथ किया, उसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म देवता के साथ हुआ, धर्म देवता 13 कन्याएं हैं। श्रद्धा मैत्री दया पुष्टि बुद्धि मेधा क्रिया ही धर्मस्य पत्नी है, ये धर्म की पत्नियां। तो प्रसूति मानवी दक्ष उपमेये यदात्मजः, तस्या ससर्ज दुहिता खोडस अमल लोचना। तो 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, 1 कन्या का अग्निदेव के साथ,
एक कन्या का पितृगण के साथ और एक कन्या जिनका नाम था सती, उनका विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ। राजा परीक्षित, ये सती नाम की कन्या अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में भस्म हो गई। परीक्षित जी ने कहा, महाराज कि कन्या कैसे यज्ञ में भस्म हुई ये आप हमें थोड़ा विस्तार से बताओ। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले, पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षयः तदा यमर्गणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का भी राजा बना दिया। देखा विधि विचारी सब लाजक, देखा विधि विचारी सब लाजक, हाँ दक्ष ही कीन हो प्रजापति नाजक, देखा विधि विचारी सब लाए, हाँ देखा विधि विचारी सब लाए, दक्ष ही कीन प्रजापति नाजक, अब पद और मद एक दूसरे के संबंधी हैं। पद पाकर भी जिन्हें मद नहीं आवे वही महापुरुष है, और पद पाकर मद आ जाए है? विद्या पाकर के अभिमान आ जाए, विद्या विवाद आए, विवाद के लिए विद्या हो, पुत्र के लिए विद्या हो, तो अनिष्टकारिणी है। तो अब दक्ष को मद आ गया, दक्ष अपने स्वागत की उसने तैयारी कराई, स्वागत हो हमारा। दक्ष सम्मान समारोह ब्रह्मलोक में हुआ, ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता ऋषि मुनि पधारे हैं और त्रैलोक्यनाथ त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर भी विराजे हैं, सभी बैठे लेकिन दक्ष अभी नहीं आए। कुछ लोगों का स्वभाव है देर में आएंगे और जल्दी जाएंगे, वो देर में आते हैं, आए दस पांच पांच मिनट भी समय नहीं दिया, बोले जरूरी काम है चलेंगे है? ऐसे लोग दक्ष के स्वभाव के लोग होते हैं। ये महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। ऐसे दक्ष की प्रतीक्षा हो रही है, भी दक्ष आए नहीं, आए बड़े तेजस्वी हैं, सूर्य की तरह प्रकाश है। तत्र प्रविष्टम ऋषयो दृष्ट्वार्कमिव रोचिषः भ्राजमानं वितमिरं कुर्वन्तं तन्महत् सदः। दृष्ट्वार्कमिव रोचिषः, अर्क सूर्य की भांति तेजस्वी दक्ष आए तो सब उठकर खड़े हो गए। अब दक्ष ने विहंगम अवलोकन किया, दक्ष देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन कौन खड़े हैं स्वागत में, ना उन्हें नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं बैठा कौन है, इनकी दृष्टि बैठे लोगों पर है कि उठा कौन नहीं, मैंने जो जय जयकार कर रहे हैं खड़े हैं उनकी ओर नहीं ध्यान है इनका, इनका ध्यान है विरोधी कौन है। ये दक्ष माने चतुर, चतुर माने कुतर्की, जो ज्यादा चतुर होगा कुतर्क अवश्य करेगा। अभी कुतर्क कर रहे हैं कि बैठा कौन है, तो दो लोग बैठे मिल गए। रिते विरंचिम सर्वम च तदभाषा क्षिप्त चेतसः, दो लोग बैठे हैं शंकर जी और ब्रह्मा जी। शंकर जी तो भगवान के ध्यान में मग्न है, ब्रह्मा जी उनके पिता हैं और शंकर जी तीनों लोगों के गुरु हैं, लेकिन दक्ष चाहता कि ये भी प्रणाम करते तो बड़ा अच्छा होता, पिताजी हैं ब्रह्मा, लाओ इन्हें प्रणाम कर लें। अजम लोक गुरु नत्वा निकखाद तदाज्ञया, लोक गुरु ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने आसन पर बैठा, भगवान शंकर को बैठा देख इसके नेत्रों से अग्नि ज्वालाएं जलने लगी, अग्नि के स्फुलिंग निकलने लगे और क्रोध में भर करके कहा दक्ष ने, देवताओं अयम तु देव यजनो
इंद्रो अपेन्द्रादि विर्भिर्भवः अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादि विर्भव। ये जो शिव है ये यज्ञ भाग का अधिकारी नहीं है, ये श्रेष्ठता में भी आगे नहीं है, ये मेरी शिष्य कोटि में है। ए समय शिष्यताम प्राप्तो यन मे दुहितर गृहीत पाणिम विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधव साधुवतो। ये देखो मेरी शिष्य कोटि में है, मेरी कन्या का पति है, मैंने ब्रह्मा के कहने से अपनी कन्या का विवाह इसके साथ किया था। इसमें शिष्यताम प्राप्तो शिष्य कोटि में है यन मे दुहितर गृहीत, मेरी दुहिता का विवाह इसके साथ हुआ है, पुत्र श्रेणी में है, फिर भी इसने उठकर हमें प्रणाम नहीं किया। मैंने सोचा था कि अभी इसके पास घर नहीं है, हम विवाह करेंगे तो घर बनवा लेगा, आज तक घर ही नहीं बनवा पाया, ऐसे ही घूमता है। देखो भला कहां हमारी कन्या सती, कहां ये शिव, वो तो मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर विवाह कर दिया। आंखों से ही तुलना कर लो, गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिम मरकट लोचन, मेरी कन्या के नेत्र हिरणी जैसे हैं और इस शंकर के नेत्र बंदर जैसे। मैंने ब्रह्मा के कहने से इसको अपनी कन्या दे दी, वह सुंदर गुण संपन्न सुता इस पगले को मैंने दे दी, इस बंदर जैसे नैनों वाले को मैंने वो मृग नैनी दे दी, इस कर्कश और कसैले को मैंने वह पिक बैली दे दी। घर भी नहीं बनवा पाया, कहा रहता है प्रेतवासेश घोरेश प्रेत भूत गण व्रत, जहां भूत प्रेत रहते वहीं रहता, श्मशानों में रहता है, भूत प्रेतों से घिरा घुमा करता है। अटति उन्मत्तवत नग्नो दीप्त केशो हसन रुदन, कभी नग्न घूमता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, जटाएं बिखराए भस्म चिता की मले घूमता रहता है पागलों की तरह, ऐसा ऐसी। ये स्नान तो दीपावली में भी नहीं करता होगा, पर्व पढ़ने पर भी नहीं नहाता, जब कभी नहाने का मन होता है तो चिता भस्म कृत स्नान प्रेत श्रृंग अस्थि भूषण शिवा पदेशो ये शिवा मत्ता मत जनप्रिय चिता भस्मालेपो गरल मशनम दिकपट धरो, चिता की भस्म पूरे शरीर में मलता, यही इसका स्नान है, और हड्डियां धारण करता है यही आभूषण है। अरे जिन भगवान शंकर की जटाओं में अलकनंदा मंदाकिनी पुण्यतोया भगवती भव्या भगवतपदी भागीरथी माँ गंगा सुरश्री की दिव्य धारा लहरा रही है, ऐसे भगवान गंगाधर को कहता चिता भस्मधर, जिनके ललाट पट पर अमृत की वर्षा करने वाला वो बालेंद्र अर्ध कलाधर सुधाकर विराजमान है, ऐसे भगवान यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यश्योरसी व्यालराज, ऐसे भगवान भोलेनाथ जिनके ललाट पर चंद्रमा है, अमृत की वर्षा करता है, जो चंद्रभूषण है उन्हें अस्थिभूषण कहता है, और जो गंगाधर हैं उन्हें चिताभस्मधर कहता है। इतने से भी शांति नहीं हुई, क्रोध में भरा शाप दे दिया भगवान भोलेनाथ को, शाप दे दिया। अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादि विरभव सा भागम न लभताम देव ही देवगणाधम, आज से किसी भी यज्ञ में शंकर को कोई यज्ञ भाग नहीं दिया जाए, यज्ञ भाग से बहिष्कृत कर दिया जाए। अब पूरी सभा स्तब्ध हो गई, शिव निंदा सुनकर के लोग स्तब्ध हो गए, मौन हो गए, क्या कह रहा है दक्ष, विचार करने लगे। अब किसी महापुरुष की निंदा हो, भगवान की निंदा हो और सुनकर लोग मौन हो जाएं तो बहुत बड़ा पाप है। विज्ञाय शापम गिरिशानुनाग्रणी
नंदीश्वरो रोष कषाय दूषितः दक्षाय सापम विषुसर्ज दारुण एचान्नमोदन तदवाच्यताम विजाह। महाराज नंदीगण से सहन नहीं हुआ, नंदीगण को बड़ा क्रोध आ गया अपने गुरुदेव की निंदा सुनकर के। जहां भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, जहां पर नारायण की निंदा हो रही हो, संत की निंदा हो रही हो, वहां सुनना नहीं चाहिए। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, जहां सुनिए तहां असिमर जादा, संत श्रीपति और शंकर भगवान का अपमान जहां हो रहा हो वह एक मर्यादा है। निंदा करने वाले के साथ कैसा व्यवहार करो, सब में भगवान का दर्शन करने वाले पूज्य पात पाता स्मरणीय संत श्रोमणि महाप्राज्ञ विद्युत वरेण्य कविकुल चूड़ामणि भगवान महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, काटिय जीभ जो तासु बसाई, श्रवण मुदी नत चलिए परा। जो निंदा करे उसकी जीवा काट ले, अगर बस नहीं चले तो कानों में उंगली लगाकर स्थान छोड़ दे। निंदा सुने नहीं, जो सुनता है उसे दोष लगता है। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हरि हर निंदा तिनहि पाप गो घात समाना, तिनहि पाप गो घात समाना। जो हरि और हर की निंदा सुनते हैं उन्हें गाय मारने के बराबर पाप लगता है, और जो निंदा करते हैं किनकी निंदा प्रकरण में आप ये भी सुन लीजिए किसकी निंदा करने से क्या पाप लगता है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई, जन्म सहस्र पावतन सोई। जो भगवान की और अपने गुरु जी की निंदा करते हैं उन्हें दादुर क्यों नहीं प्राप्त होती। दादुर माने मेढक, गंगा जी वाला नहीं, जमुना वाला नहीं, कहां नालियों वाला मेढक। और 1000 जन्म उन्हें मेढक बनना पड़ता नारायण, 1000 जन्म। और जो ब्राह्मण की निंदा करते हैं, ब्राह्मण निंदा अभियान चला रहे हैं, ब्राह्मण द्रोही अभियान चला रहे हैं, ऐसे लोग जो रामायण की बात भी नहीं मानते, तो उनके लिए कहा द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्म ही बायस शरीर धरी, वो अनेक नरकों में डालने। ब्राह्मण द्रोही अनेक नरकों में जाते हैं, बाद में उन्हें कौवा की देह मिलती है, कौवा की योनि। हो ही उलू का संत निंदारत, मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत, जो सबकी निंदा करते हैं उन्हें वो संत की निंदा करते हैं उन्हें उलूक पक्षी की उन्हें प्राप्त होती है, और जो सबकी निंदा करते हैं सब के निंदा जे जन कर ही, सब उठे चमगादर भई अब पर ही, जो सबकी निंदा करते हैं उन्हें चमगादड़ क्यों नहीं प्राप्त होती। आप कहें हमारी कोई निंदा करे वो हम न करें, तो हमारे संतों ने कहा निंदक नियरे राखिए,
आंगन कुटी छवाए, बिना तेल साबुन बिना सब मैलो धोई जाए। निंदन्तु जीवन्तु मे शत्रुगणा सदैव, ये कामना है। जीवन्तु मे शत्रुगणा सदैव, एषां प्रसादात् सुविलक्षणोऽहम्। यदा यदा मे विकृतिं लभन्ते तदा तदा मां प्रतिषेधयन्ति। संत कहते हैं हमारे शत्रुगण सदैव जीवित बने रहे, क्योंकि जब जब हम कभी अवनति को प्राप्त होने लगते हैं तो वो तुरंत हमें सचेत करके, निंदा करके सचेत कर देते हैं, इसलिए वो शत्रु भी जीवित बने रहे। तो किसी की निंदा नहीं करें। भगवान शंकर की निंदा की है आज दक्षिणे, तो नंदीगण उठकर खड़े हो गए और उन्होंने शाप दे दिया दक्ष को। स्त्री काम सुत राम, दक्ष तुमने भगवान शंकर की निंदा की, तेरा परमार्थ ज्ञान नष्ट हो जाए। बुद्ध्या परा विध्यायिन्या विस्मृतात्म गति ही पशु, स्त्री काम सोत राम दक्षा बस्त मुखो चिरात। तेरा परमार्थ ज्ञान नष्ट हो जाए, तू स्त्रीण हो जाए, और जिस मुख से तूने भगवान शंकर की निंदा की है इस मुख की जगह तेरे बकरे का मुख लग जाए। ये साप दे दिया। तो महाराज अब दक्ष के पक्ष से भृगु जी महाराज उठकर खड़े हो गए और शंकर जी के गणों को, भक्तों को शाप दे दिया है भृगु जी ने। भवव्रत धराये च तान समनुव्रता पाखंडिनः ते संतो शतशास्त्र परिपंथगः। शंकर जी के जितने भक्त हैं वो सब पाखंडी हो जाए, शाप दे दिया। तो महाराज श्री नंदीगण फिर उठकर खड़े हुए शाप देने के लिए, तो शंकर जी ने मना कर दिया, अब शाप नहीं दो, और कैलाश की ओर चल पड़े। गणों के साथ जा रहे हैं भगवान शंकर, और कहते हैं नंदीगण, काम क्रोध लोभ मद मत्सर का साक्षात स्वरूप, अहंकार का स्वरूप दक्ष जो है, उसने जो हमें शाप दिया है वो फलित नहीं होगा। मेरी पूजा होगी, मेरे रुद्राभिषेक होंगे, आचार्य गण कराएंगे रुद्राभिषेक पूजन होंगे, महायज्ञ होंगे रुद्र महायज्ञ, और यज्ञ अवशिष्ट भाग रुद्र गणों को प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारा शाप तो लगेगा दक्ष को, उसका बकरे का सिर लगेगा। लेकिन एक बात है, भृगु जी ने अपनी तपस्या का दुरुपयोग करते हुए मेरे गणों को जो शाप दिया है भक्तों को कि शंकर के भक्त पाखंडी हो जाएं, इसमें हम संशोधन करते हैं। जो तामसी शयू होंगे, तांत्रिक क्रियाएं करेंगे, कपाल साधनाएं करेंगे, उन तांत्रिकों में अवघणों में पाखंड का दर्शन होगा। कापालिक जो होंगे उनमें पाखंड का दर्शन होगा, लेकिन जो सात्विक वैदिक पूजा हमारी करेंगे उनमें पाखंड का दर्शन नहीं होगा। जो मंत्रों से, जो पत्र पुष्पल जल से हमारा पूजन करेंगे उन पर मैं आशुतोष हो जाऊंगा, शीघ्र प्रसन्न हो जाऊंगा। जितनी शीघ्रता से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी शीघ्रता से कोई देवता प्रसन्न नहीं होता। जल के चढ़ाए जमलोक से उबारी ले, जो भगवान शंकर पर नित्य जल चढ़ाता है शिवलिंग पर, उसे जमलोक नहीं जाना पड़ता। अगर बहुत दूर शंकर जी का मंदिर हो तो आप नर्मदेश्वर अपने घर में रखो, घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखा जा सकता है। नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कराने की भी आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित है। नर्मदा जी में वो बनते हैं नर्मदेश्वर, उन महाराज को अपने घर में स्थापित कर नित्य ही उनका अभिषेक करो। दूध से जल से जितनी जो वस्तुएं मिल जाएं उनसे उनका अभिषेक करो। जल के चढ़ाए जमलोक से उबारी ले, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती करी देत हैं, बेल पत्र के चढ़ाए शिव संग लई लेत हैं, तो हर हर कहे ते हरत हैं कलेश सब, और बम बम के बोले भोले निहाल करी देते हैं।
बोलो शंकर भगवान की जय। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान हैं सती के साथ। भगवान शंकर राम कथा के रचयिता हैं और वक्ता भी हैं। उनके मन में विलासा हुई है हम राम कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि कथा सुनने से कोई तृप्त नहीं होता। भगवान शंकर सती से कहते हैं चलो तुम्हें कथा सुना ला मैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। इस सती मोह के प्रसंग का वर्णन भागवत में नहीं है, लेकिन ये कड़ी जोड़ना बड़ी अनिवार्य है, क्योंकि जब तक सती को मोह नहीं होगा तब आगे दक्ष यज्ञ में भस्म नहीं हो सकती, इसलिए इस कड़ी को संक्षेप से पूर्ण करते हैं। अब तो सती जी के साथ भगवान शंकर चले। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जागी, रामायण जी में वर्णन करते हैं महाराज सती जी जब कथा सुनने चली तो इनका सम्मान बढ़ गया। सती जगजननी भवानी कहकर इनकी पूजा हुई है। जो भी कथा सुनने जाते हैं उनका ऐसा ही सम्मान इहलोक और परलोक में होता है। जगजननी भवानी भगवान शंकर अखिलेश्वर शिष्य कुंभज ऋषि ने इनका बहुत सुंदर पूजन किया, चरण पखारी माल्यार्पण किया, आरती वंदन किया। और उस समय महाराज अगस्त जी ने कहा गुरुदेव आपकी क्या सेवा करें। बोले हे मेरे शिष्य अगस्त, आज हम सेवा कराने नहीं आए, आज आपके मुखारविंद से भगवान अपने इष्ट देव श्री राम की कथा सुनना चाहते हैं। महाराज अगस्त बोले आप सर्वज्ञ हैं, राम कथा के रचनाकार हैं, हम आपको कैसे सुनाएं राम कथा। बोली कथा सुनने में बड़ा आनंद है, जो सुनने में आनंद है वो कहने में नहीं, सुनने में बड़ा आनंद है, इसलिए बड़े बड़े जीवन मुक्त योगी सुनते हैं। अब देखिए सुनने वाला सदैव डूबा है रस में, और वक्ता यदि डूब जाएगा पूरा पूरा तो फिर उछल नहीं पाएगा, फिर कथा क्या कहे। इसलिए शंकर जी जब कथा कहते हैं तो डूबते हैं उछलते हैं, डूबते हैं उछलते हैं, और जो श्रोता है वो डूबे ही बने रहते। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, ध्यान में मग्न होकर मन को बाहर निकाल कर वर्णन करते हैं। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन, तो सुनने में बड़ा आनंद, इसलिए जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जी ध्यान, जे हरि चरित न करहि रति तिनके ही पाषाण। आज महाराज अगस्त जी को कथा के लिए कहा तो अगस्त जी जहां बैठे थे नीचे बैठे थे, ऊपर बैठे थे शंकर जी आसन पर, तो वहीं से कथा शुरू कर दी। बोले रुकिए, अगस्त ऋषि को आसन पर बैठा कर तिलक करके माल्यार्पण किया, आरती उतारी, और उस समय अगस्त जी बोले गुरुदेव पूरा विश्व आपका पूजन करता, आप हमारा पूजन कर रहे हो। बोले मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञ भेषजे गुरो यादृशी भावना यश सिद्धिर भवत तादृशी, मंत्र में तीर्थ में देवता में ब्राह्मण में संत में आचार्य में गुरु जी में जिसको जितनी श्रद्धा होती उतना ही फल मिलता है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। देखिए कथा सभी सुन रहे हैं लेकिन फल सबको एक समान नहीं मिलना, किसी को अधिक मिलना है किसी को कम मिलना है, क्यों, जिसमें जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना अधिक फल प्राप्त कर ले जाएगा। बात यह है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए, और पार्वती श्रद्धा है सती श्रद्धा नहीं है। सती कुतर्क का स्वरूप, दक्ष की कन्या, चतुर की पुत्री है, और जो चतुराई से सुनेंगे तो कुतर्क होगा और कुतर्क में भाव सिद्ध नहीं होगा और रस की सिद्धि नहीं होगी, भाव रस की सिद्धि न होने पर मन एकाग्र नहीं होगा और आनंद नहीं प्राप्त होगा तो फल कैसे मिलेगा। अब तो शंकर जी सुनने बैठे हैं, अगस्त जी ने सुनाई कथा, बढ़िया सुन आप भी सुनो, सुनिए राम कथा, सुनिए राम कथा, सुनिए राम कथा, सुनिए राम कथा।
श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा सुनिए राम कथा, सुनिए राम कथा, सुनिए राम कथा, सुनिए राम कथा। राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। गदगद कंठ नेत्र में अश्रु भाव में स्थित, आनंदमयी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, भाव जगत में शरीर ज्ञान से शून्य, आनंद में हर्षातिरेक में कथा सुन रहे सती को कथा अच्छी नहीं लग रही, कुतर्क से भरी। अभी इस महात्मा ने हमारे पांव पखारे थे, हमारा पूजन किया, हम इनसे योग्य हैं, इनसे अच्छी कथा हम कह सकते हैं? अगर कहने बैठे हैं तो बहुत अच्छी कथा सुनावे, हम तो बहुत परा स्नातक हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, और फिर राजकुमारी है। बड़ा इन्हें घमंड, बड़ा कुतर्क, कथा नहीं सुनी, कथा मन नहीं लगा, तो सती का नाम श्रोता में नहीं आया, श्रोता में नाम शंकर जी का आया, सुनी महेश, सती का नाम उसे खारिज कर दिया। कथा पूर्ण हुई, शंकर जी बोले आचार्य जी दक्षिणा ले लीजिए, तो इन्होंने भगवान की भक्ति पूछ ली। मुनि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, और फिर कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, मुनिष ने विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पिता का भी नाम ले दिया, पद वापस ले लिए जगजननी भवानी के। अब नहीं सुनी कथा तो उत्पन्न हो गई व्यथा, जो नहीं सुनते कथा उन्हें होती है व्यथा। सबसे बड़ी व्यथा कौन है? मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला, इन्हें मोह हो गया, और मोह हुआ भगवान राम पर। कही अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। वन में भगवान सीता को खोज रहे हैं, सीतारण हो चुका है, विरह विकल भगवान। फागुन खान जानकी सीता, नेम धर्म पति प्रीति पुनीता। भगवान शंकर ने देखा मेरे इष्ट देव सुंदर लीला कर रहे हैं, मेरा मन कह रहा दौड़ कर इनके चरणों में मस्तक रख दूं, लेकिन ऐसा करने से भगवान की लीला में विक्षेप होगा। अभी रोने की लीला कर रहे हैं, जाने पर हंसने लगेंगे, मिलने लगेंगे, भेंट करने लगेंगे, लीला बिगड़ जाएगी। अभी इनकी लीला का मर्म लक्ष्मण भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, मैं गया तो सब जान जाएंगे। गुप्त रीते उतरे ऊपर गए जान सबको, इसलिए निकट जाना ठीक नहीं है, दूर से प्रणाम किया, सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। दूर ही ते पुण्य कीन प्रणाम, कही सच्चिदानंद पर धामा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन, एक ओर है जग पावन, दूसरी ओर मनोज न सावन। जब भगवान शंकर चले तो आज भाव विवल है, कहीं के पग कहीं पड़ रहे हैं, प्रेम मत में
छके हुए भाव विवल हैं। सती सुदशा शंभु के देखी उर्फ दा संदेह विशेखी। ये शंकर जगत बंद हैं, जगदीश हैं, स्वरासुर नमस्कृत हैं। इन्होंने राजा के पुत्रों को प्रणाम किया, सती में संभ्रम हुआ। भगवान शंकर बोले, देवी तुमने वो कथा नहीं सुनी थी? बोले कौन? बोले जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगति जासु मम हृदय दृढ़ाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। बड़े बड़े धीर योगी जिनका सतत ध्यान करते हैं वही राम है। सती जी ने कुतर्क किया, ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, उसका आकार नहीं है, अवतार नहीं होता, साकार नहीं होता, वो निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म निरंजन अकल अनी अभेद, शोक देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। इसे वेद भी नहीं जानते, वो ब्रह्म निर्गुण है। भगवान शंकर बोले, देवी जो निर्गुण है वही सगुण है। वेद भगवान कहते हैं, प्रजापतिश्चरत गर्भे अंतर जाय मानो बहुधा भी जायते तस्वनिम पर प्रसन्द धीरा तस्विन अथस्थुर भुवनानि विश्वा। यजुर्वेद में पुरुषोक्त है, ये रुद्राष्टाध्याय के द्वितीय अध्याय में वर्णन है ये श्लोकों का। जो अजन्मा है वो बहुत बार जन्म लेता, अजाय मानो बहुधा भी जायते। जो अजन्मा है बहुत बार जन्म लेता है। अगुण अरूप अलख यज जोई, भगति प्रेम बस सगुण सोई। जो निर्गुण है वही सगुण है। वेद भगवान कहते हैं, अपाणि पादो जवनो गृहीतः पश्यत चक्षुष श्रोत कर्णः सवेत्ति वेद्यं तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुखं महंतम। जिनके हाथ नहीं फिर भी वो कार्य करते हैं, बिना हाथों के ग्रहण करते हैं, बिना पग के चलते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, अचक्षु पश्यते कर्णा श्रणोति, बिना कान के सुनते हैं, मुख नहीं है लेकिन बोलते हैं, जीवा से जीवा नहीं है रस अमृत का पान करते हैं। इस वेद मंत्र का अनुवाद मानस में, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बल जोगी। ऐसा निर्गुण निराकार ऐसो प्रभु सेवक बस आई, अभगत ही तो नाना बपु गहि। भक्तों के लिए अवतार लेते हैं भगवान। ये व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। यही इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, कौशल पति मम स्वामी सोई कहि शिव नाय उमाथ। ये मेरे इष्ट हैं, ये राम है, ब्रह्म है, इन सती की समझ में नहीं आया, बुद्धि कुतर्क से भरी है। भगवान शंकर बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले, तब लगी बैठ अहो बट छाई, जब लग तुम्हें आई हो मुही पाही, जब लग तुम्हें। तुम्हारे मन में संदेह तो जाओ परीक्षा ले आओ, संदेह तो है ही। शंकर भगवान सोचते हैं कि मोरे कहे न संशय जाई, विद विपरीत भलाई नाही, मेरे कहने पर भी संशय दूर नहीं हो रहा, जाओ परीक्षा ले आओ। परीक्षा लेने चली, और परीक्षा लेने जब चली तो शंकर जी ने कहा, ऐसे परीक्षा लेना कि मर्यादा न टूटे, विवेक का परिचय देना,
विवेक के द्वारा परीक्षा लेना, देवी मर्यादा न टूटने पावे। जैसे जाए मोह ब्रह्मभारी, करे उसे जतन विवेक विचारी। अब विवेक विचारने लगी, अब विचारों की पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है तो सदविचार फलित नहीं हो सकते। बहु विधि हृदय विचार करी, तब धरी सीता को रूप। आगे वही चली पंत तहां, जहां आवत सुरभूप। सीता का वेश बनाया, आगे चल पड़ी। लक्ष्मण ने देखा मेरी माँ आ रही है, क्या मेरी माँ है, लाओ परीक्षा ले लें, पहचान कर लें मेरी माँ सीता कैसे चलती थी। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो सीता जी राम जी के पीछे चलती थी, ये तो आगे चल रही। भगवान के आगे चलने का दुस्साहस सीता जी नहीं कर सकती। दूसरे सीता जी कैसे चलती थी, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, और धरती चरण मग चलती सभीता। हमारे चरण से भगवान के कहीं चरण चिन्ह न मिट जाए, इसलिए बहुत संभाल संभाल के पांव रखती हैं। लेकिन ये देवी तो भागती भी चली आ रही हैं, मेरी माता नहीं हो सकती। लेकिन लक्ष्मण कुछ भूले नहीं, संदेह है कहीं न सकत संदेह विशेखा। भगवान राम के निकट गई तो देखी सती ही प्रभु की न प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, मैया मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। अकेले कहाँ घूम रही माता, भोले बाबा कहाँ है। कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, बिपिन अकेली फिरो के ही गे तू, बिपिन अकेली फिरो के ही गे तू। अरे तो जान गए सर्वज्ञ है, नारायण है, ब्रह्म है। मारी लज्जा के नेत्र बंद कर लिए, नयन मूंद बैठी मंगवाही। दूसरा भाव है सती ने अपने चरम चक्षुओं से, माया के चक्षुओं से ब्रह्म ज्योति का, ब्रह्म रूप का साक्षात्कार करने में अक्षम, नेत्र बंद हो गए। भगवान ने माया के रूप प्रकट कर दिए। सती ने नेत्र खोले तो सर्वत्र राम लक्ष्मण सीता, हजारों रूप देखे, परम भयभीत सभीत भगवान शंकर के निकट आई। भगवान शंकर बोले देवी कैसे परीक्षा ली। गई सभी तमहे सपा, तब शिव हंसी पूछी कुशला तू, लीनी परीक्षा कौन विधि, कहु सत्य सब बात। कोई अपना निकटतम हो और उससे कोई कहे सत्य बोलना तो समझ लो अब झूठ बोलने का संदेह हो गया। इन्हें संदेह है कि झूठ बोल सकती है। क्यों भाई संदेह क्यों है, रामायण जी में वर्णन है, नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण आठ सदा उर रहन। कौन कौन आठ अवगुण है, साहस अंद्रित चपलता माया, भय अविवेक असंच अदाया। ये अवगुण नारियों में होते हैं, ये रामायण में वर्णन आया। लेकिन रामायण में देवियों का बड़ा पूजन है, सम्मान है, वंदना है। बंधम कौशल्यादिशि प्राची, सीता की वंदना, शिविर की वंदना, अनुसुईया की वंदना, नारी वंदनीय है। तो कहा किसने कहा, तो कहा रावण मंदोदरी से कह रहा। मंदोदरी ब्रह्मज्ञानी है, वो जानती राम ब्रह्म है। जब रावण को कहा राम ब्रह्म है, विश्वरूप रघुवंशमणि, उनसे बैर मत करो, तो रावण ने कहा तुम नारी हो, नारियों में आठों गुण होते हैं। रावण एक दिन वेदज्ञ था, ये बात सत्य है, आशुकवि भी था, विद्वान था, कर्मकांड का आचार्य था, लेकिन उसने आचरण जो किए वो वेद प्रतिकूल किए। जय विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। प्रतिकूला वेद प्रतिकूल आचरण किए, शुभ आचरण कतौ नहीं होई, विप्रधेनु गुरु मान न कोई, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनी नहीं काना।
तो उसकी बात को सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बात व्यासपीठ से खारिज है, निरस्त है। नारियों में आठ अवगुण नहीं होते, बड़ी भली है, बड़ी श्रद्धावान है। अब आगे हाँ देखिए संख्या यही देख लीजिए कितनी है, अधिक संख्या माताओं की होती कथा में। यद्यपि यहां पुरुषों की भी संख्या अच्छी है, बराबर बराबर का हिसाब किताब है, अच्छी बात है, ऐसा होना ही चाहिए। तो भक्तों अब शंकर जी ने आज पुनः सती से पूछ दिया, कहूं सत्य सब बात, तो इन्हें बता देना चाहिए था कि हम भगवान की परीक्षा लेने गए, वो तो नारायण है, हम अनुत्तीर्ण होकर आई। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा कछु ना, बिल्कुल दूध उठा के पी गई, मट्ठा का काम नहीं रखा। बोली कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, प्रणाम तुम्हारी ना हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम कराए थे वैसे ही प्रणाम हम भी कर आई हैं। बोले नाथ, बोले तुम इतनी सीधी तो हो नहीं, तुमने कुछ किया जरूर होगा वहां, कुछ लीला तुमने बगराई होगी, जरूर कुछ किया होगा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो की न चरित सब जाना, ये तो ब्रह्म की परीक्षा ले आई, मेरी माता का रूप बना लिया, ओ धन्य है। सती की न चाहता हूं दुराऊ, और देखो नारी स्वभाव प्रभाव, नारी स्वभाव के कारण झूठ बोल गई। फिर सोचने लगे सती जैसी नारी, नारी स्वभाव के कारण झूठ नहीं बोलेगी, ये राम जी की माया ने झूठ बुलवाया है, राम जी का अनादर किया, राम कथा का अनादर किया, इसलिए राम की माया रुष्ट हो गई। बहुरी राम माये ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जई झूठ कहावा, जो भी हो लेकिन सती ने मेरी माता जानकी का रूप बनाया है, इसलिए मैं इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ये परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहे महेश कछुर दारुण संताप, जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटे भगति पथ होय अनीति। अब हम क्या करें, किं कर्त विभोर। तब राम जी का स्मरण किया और ये संकल्प ले लिया, यही तन सती भेंट अब नाही, और शिव संकल्प की न मन माही।